तो गाइस यार पिछली वीडियोस के अंदर हमने ड्रोन की मोटर का इस्तेमाल करके बहुत सारे कारनामे किए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लेना। तो गाइस यार उन्हीं वीडियोस के अंदर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि क्या भाई सिर्फ ड्रोन की मोटर ही थ्रस्ट पैदा करती है, हमारे घरों के अंदर जो पंखे लगे होते हैं क्या वो थ्रस्ट पैदा नहीं करते, क्या जो कूलर होते हैं वो थ्रस्ट पैदा नहीं करते। सच बताऊँ मुझे भी नहीं पता यार मुझे भी नहीं पता कि वो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ का पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमने काफ़ी सिंपल सा सेटअप बना रखा है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सिंपल वाले हमारे घर वाले फ़ैन होते हैं जो कि बहुत तेज हवा देते हैं। इसे हमने एक डायरेक्शन में फिट किया है और दूसरे वाले को हमने दूसरे डायरेक्शन के अंदर, ताकि रिवर्स थ्रस्ट क्रिएट हो सके। अब होगा या फिर नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता है। और हमने इसे जो है सीधे ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्ट किया है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे दोनों फैन ऑन हो जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या ये जो फैंस हैं ये भी थ्रस्ट पैदा करते हैं या फिर नहीं। साल काम के टाइम पे कपड़े पहन चलो शुरू करते हैं। तो गाइस तैयार हो आप लोग? रुको जरा अब ठीक है। तो गाइस यार आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम सीधे ही डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अगर सावधानी से नहीं किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं जो है इस कुर्सी के ऊपर बैठ जाता हूँ और ये जो कुर्सी है ये घूमने के लिए बिल्कुल फ्री है, ताकि इन दोनों के थ्रस्ट से ये घूम सके। और जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, अगर इन पंखों ने मुझे घुमा दिया तब तो यकीनन ये पंखे थ्रस्ट क्रिएट करेंगे, और अगर नहीं घुमा पाए तो फिर जय सी आराम। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब फैंस को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो फैन है ये मुझे घुमा पाते हैं या फिर नहीं। चलाएं वो। ऑलराइट गाइस, तो दोनों फैन तो चालू हो चुके हैं। वो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कि ये मुझे घुमा रहे हैं। ओ तेरी वो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये दोनों पंखे मुझे घुमा रहे हैं और धीरे धीरे तेज होती जा रही है इनकी रफ्तार, तेज होती जा रही 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 है। ओए वायर लिपटे तो मुझे बता देना। गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों पंखे हैं ये कितना ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और अब मेरा उल्टी जैसा जी हो रहा है, क्योंकि मुझे गोल गोल घूमने से चक्कर आ रहे हैं। मैं अभी इन्हें बंद कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया इनकी रफ्तार भी धीरे हो गई और मुझे अब चक्कर आ रहे हैं। गोल गोल रानी कितना कितना पानी चक्कर आ गया यार। बाकी गाइस यकीन मजा आ गया यार, इन पंखों ने काफी ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट किया और आपने देखा कि इन्होंने हमें कितना ज्यादा तेजी से घुमाया। गाइस देखा आपने, ये पंखे भी थ्रस्ट क्रिएट करते हैं लेकिन ये उतना थ्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, इसीलिए ये घर के अंदर एक जगह पे टिके रहते हैं। किसी भी ड्रोन या फिर किसी भी हवाई जहाज को उड़ाने के लिए हम जिन मोटर्स का उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जैसे कि ड्रोन का वज़न अगर 1 kg है तो चारों मोटर्स मिलकर 2 kg का अगर थ्रस्ट क्रिएट करेंगी तो ही जो ड्रोन है वो हवा में लिफ्ट करेगा। यानी कि जो थ्रस्ट है इनका थोड़ा सा कम होता है, इतना ज़्यादा थ्रस्ट नहीं होता है। साथ ही साथ इनके जो घूमने की रफ्तार होती है वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है जितने कि एयरप्लेन के इंजन्स की होती है या फिर ड्रोन की मोटर्स की होती है या फिर किसी भी ऐसी चीज़ जो कि हवा में उड़ती हो उतनी होती है। और साथ ही साथ गाइस एक चीज़ हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक और देखने को मिली कि हमारा जो कैमरा है ये कभी भी फैन को इतनी तेज़ घूमते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाता है कैमरा के शटर स्पीड की वजह से। अब हम क्या करते हैं, कैमरे की जो सेटिंग है उसे भी इन पंखुड़ियों के साथ में मैच कर देते हैं ताकि आपको अंदाजा पड़ सके कि ये कितनी तेजी से घूम रही है, और फिर खाली कुर्सी के साथ में इन्हें चला के देखते हैं। कैमरा सेटिंग चेंज। राइट गाइस, स्विच को करते हैं ऑन। चलाओ we
ऑलराइट गाइस, तो देखा आपने कि हमारे ये घर वाले पंखे भी कितना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं। तो गाइस यार, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, साथ ही साथ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, क्योंकि गोल गोल रहा मज़ा आ गया। तो गाइस यार, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिमाग में कोई कीड़ा हो तो उसे दिमाग में मत रखो, नीचे कमेंट्स करो यार, मैं हूँ ना फिर। जय हिंद, जय भारत। Oh, 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 o